टोटल अनसर्टेनिटी इन आर फाइनल रिजल्ट। इससे क्या मुराद है, हम मुख्तलिफ मेजरमेंट्स हैं जिनको हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेयर किया। अब उन मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी और उनके लीस्ट काउंट्स थे वो डिफरेंट थे, तो जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें मेरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी और मेरा लीस्ट काउंट क्या होगा हम उसको कैसे डिस्कवर करें। फॉर एग्जाम्पल हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन के केस में अलग केस होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में अलग केस होगा, इसी तरह पावर फैक्टर एक केस है इसका। फिर हमारे पास आता है कि फॉर एवरेज वैल्यूज़, हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली तो उसके एवरेज ले रहे हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा। फिर हमारे पास आता है फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, मिसाल के तौर पे आपकी बुक में एग्जांपल देता है वो, तो एक पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो हम उसके पीरियड्स मेजर करना चाह रहे हैं तो उस केस में हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडिशन के केस से। तो एडिशन के केस में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स और एक हमारे पास प्लस माइनस डेल वाई। अब हमने जेनेरिक नंबर्स हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफाइड वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर इससे हम केस बिल्डअप करेंगे जो हमारी स्पेसिफाइड वैल्यूज़ होंगी उनके केस में। मिसाल के तौर पे हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को हम ऐड कुछ इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास नॉन डिजिट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे और अनसर्टेनिटीज आपस में ऐडअप होंगी। इसी तरह ही अगर हम एक फिक्स्ड केस, ये हमारे पास होगी टोटल अनसर्टेनिटी, अगर हम एक फिक्स्ड केस लें, हमारे पास एक्स वन है वो 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है और एक्स टू हमारे पास 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। अब हम इस केस में एक्स टू में से एक्स वन माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम नॉन डिजिट्स को माइनस करेंगे तो वो आएगा 16.3। अनसर्टेनिटीज क्या होंगी, प्लस होंगी या माइनस होंगी? तो अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के केस में जो हमारे पास अनसर्टेनिटीज है वो हमेशा ऐड ही होंगी, ठीक हो गया, तो हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 0.2 सेंटीमीटर। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि अगर एडिशन हो रही है तो अनसर्टेनिटीज भी ऐड हो रही हैं और अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो अनसर्टेनिटीज भी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली अनसर्टेनिटीज के साथ जो प्लस माइनस का ये साइन होता है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो आपका फिक्स नंबर है उससे ऊपर इतना और उससे नीचे इतना, ठीक है, तो अगर आप सब्ट्रैक्शन भी आपके दो नंबर्स की, दो मेजरमेंट्स की हो रही है, तो जो आपके पास आपकी लीस्ट काउंट्स, सॉरी, हाँ, आपकी जो लीस्ट काउंट्स हैं वो हमेशा ऐड अप ही होंगे। उसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं वो हम रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, उसका हमें फार्मूला दिया आपको, अगर रेजिस्टेंस नहीं भी पता इस चीज़ को आप अगले कुछ सेकेंड ईयर में जाके पढ़ोगे बेसिकली इन डेप्थ, तो अगर आपको नहीं भी पता तो घबराना नहीं है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब हमें वोल्टेज भी उसने दे दिया 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट और उसने हमें करंट भी दे दिया 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पीयर। अब उसने हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यूज दे दी, अब हमने एंड पे जो हमारा आर है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है वो बताना है। तो अब उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, ठीक है, उसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चेंज करेंगे, ठीक है, दोनों के केस में। वोल्टेज के केस में जो हमारे पास परसेंट अनसर्टेनिटी आएगी वो क्या आएगी, 0.1 यानी कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी जो कि आ जाएगी 2% अप्रोक्सीमेटली 2% आपके लिए। इसी तरह करंट के केस में भी हम यही चीज़ मेजर करेंगे, 0.05 को डिवाइड कर देंगे हम 0.84 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी आएगी 6%। अब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमारे रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हमारी ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 5.2 डिवाइड बाय 0.84, ठीक हो गया। अब जो इसमें अनसर्टेन जो भी रिजल्ट आएगा इसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी वो परसेंटेज में हमें पता है, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है तो जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वो आपस में ऐडअप होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आपस में ऐडअप हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आपस में ऐडअप होती है। हमारे पास टोटल जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो आएगी 8% और जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही
6.19%। अब हमने जिस तरह हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज थी वो प्लस माइनस जीरो कोई वैल्यू थी ना कि परसेंटेज थी, तो अब हम इस परसेंटेज को भी हम किसी ना किसी वैल्यू में चेंज करेंगे। तो बेसिकली हमने 8% निकालना है 6.19 का, ठीक है। तो 8% 6.19 का क्या आएगा, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6.19, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.5। हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओम्स रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, सॉरी ऐसा यूनिट नहीं, यूनिट है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन से मिलती जुलती चीज है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास रेडियस एक मेजरमेंट क्या है, वह 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हमने मेजर करना वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी ये स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर रेज टू पावर 3 है तो टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी, उसको हम मल्टीप्लिकेशन वाले केस में चेंज करने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे आर क्यूब को हम आर मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो जो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी वो आपस में एड अप हो रही, इस तरह हम आर यानी कि रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास आएगी 0.01 डिवाइड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास 0.4% आ जाएगी। तो जब 0.4% में ऐड होगा और वो 0.4% में ऐड होगा तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1.2%। या तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो या फिर इसका एक और दूसरा आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि हमारे पास अगर मैं रेडियस लूँ 4/3 बाय आर की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसलिए हम उसको रिजल्ट की अनसर्टेनिटी के साथ में लाने के लिए हम हमारे पास आर की अनसर्टेनिटी मिसाल के तौर पर 2% थी, रेज टू पावर 3 है, इसलिए 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो तब भी आपके पास क्या, सॉरी हमारे पास 2 नहीं थी, बस 0.4 थी, ठीक है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 वो भी हमारे पास 1.2 आती है। तो आपकी बुक में वो इस तरह से लेके चलता है, बेसिकली जो इसकी बेसिस है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से जाती है। अब वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारा वॉल्यूम क्या आया, 47.689 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 1.2%। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने करेक्ट करनी है, वो ये है कि हमने सिग्निफिकेंट नंबर जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल था रेडियस था उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर थे, 3, तो इसी तरह हमारे इस केस में भी इसके 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए, तो हम हमारे पास यहाँ तक नंबर्स होने चाहिए, तो हम इसको 47.7 कर देंगे क्योंकि 8 जो है वो 5 से बड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास 1.2% है। अब हम इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली 1.2% लेना है 47.7% का, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6%। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एवरेज। अब फॉर एवरेज हम किस तरह से लेंगे, मिसाल के तौर पे हमने मेजरमेंट ली एक वायर की एक स्क्रू गेज के साथ, ये आपकी बुक में ही एग्जांपल है, वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास उसकी मुख्तलिफ रीडिंग्स आई, ठीक है, हमारे पास एक रीडिंग आती है 1.2 मिलीमीटर्स, ये सारी मिलीमीटर्स, एक आती है हमारे पास 1.22, एक आती है 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, ये हमारे पास करीबन 6 रीडिंग्स आ गई मुख्तलिफ जो कि डेविएट कर रही हैं। अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो इन सारी वैल्यूज की एवरेज एक लेनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी एवरेज लेंगे, एवरेज आपको पता होगा कैसे लेते हैं, कि इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो आपके पास जो नंबर आएगा उसको टोटल, ये कितने नंबर थे, टोटल 6 थे, उसके साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज नंबर आ जाएगा जो कि आता है हमारे पास 1.21 मिलीमीटर, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो हमारे पास एवरेज डेविएशन के इक्वल होगी। अब एवरेज डेविएशन क्या चीज़ है, बहुत सिंपल है, हमने हर एक जो हमारे पास नंबर है उसको देखना है कि वो हमारे पास जो मीन वैल्यू यानी कि जो एवरेज वैल्यू थी उससे कितना डेविएट यानी कि कितना दूर है। अगर हम 1.20 को देखें, कंपेयर करें एवरेज वैल्यू के साथ, तो उसमें जो फ़र्क आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0.01 का, ठीक हो गया। इस तरह अगर हम नेक्स्ट नंबर को देखें
उसका कितना फर्क आ रहा है, वो भी 0.0 बन का आ रहा है। डेविएशन हमेशा पॉजिटिव रखनी है, ये नहीं करनी। मिसाल के तौर पे अभी यही यहाँ पे एग्जांपल आई हमारे पास कि हमारे पास एक नंबर 21.21 से छोटा था एक बड़ा था, तो उन दोनों के केस में डेविएशन आएगी वो 0.01 ही आएगी। उसके बाद अगली डेविएशन हमारे पास 0.02 आती है, उससे अगली हमारे पास 0.02 अगेन आती है, फिर हमारे पास 0.01 आती है जो कि 1.22 के साथ आ रही है, फिर हमारे पास 0 डेविएशन आती है आखिरी वैल्यू के साथ जो कि है 1.21। हमारे पास टोटल डेविएशन आ गई, इन सबको ऐड करके 6 के साथ डिवाइड कर दें। 6 कहाँ से है, टोटल हमारे पास जो रीडिंग्स थी ये 6 थी। हमारे पास जो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें देगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्या होगी, या लीस्ट काउंट कह लो दूसरे पास में, 0.01 मिलीमीटर्स। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर्स। अब हम आते हैं टोटल अनसर्टेनिटी में वो टाइमिंग स्पैन, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि मिसाल के तौर पे हम एक पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना चाह रहे हैं कि वो एक स्विंग कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है। तो अब उसको एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से करते हैं, हम मल्टीपल पीरियड्स की टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर हमने एक दफ़ा छोड़ा, जब वो 20 या 30 पीरियड्स कर लेगा तो हम उसका टोटल टाइम मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस दफ़ा 30 पीरियड्स का टाइम हमने मेजर किया जो कि था 54.6 सेकेंड्स। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, स्टॉपवॉच जो है हमारी, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है, ठीक है, कि वो 0.1 सेकेंड यानी कि वो स्टार्ट होती है 0.1 सेकेंड, फिर 0.2, फिर 0.3, ठीक है, इस तरह करके वो चलती है, ठीक है। तो उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेकेंड। अब हमने ये बताना है कि जो हमारी टोटल जो एंड रिजल्ट आएगा, जो मेजरमेंट आएगी, उसमें जो हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा वो क्या होगा। उसमें सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे फॉर अ सिंगल साइकिल, तो वो हमें करने के लिए क्या, टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे टोटल पीरियड्स के साथ। हमारे पास जो टाइम पीरियड फॉर ईच साइकिल आ जाएगा वो आ जाएगा 1.82 सेकंड्स। अब हमने इसका लीस्ट काउंट या इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस मेजरमेंट की बतानी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच है उसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास टोटल हमारे पास जितने पीरियड्स थे उनसे, 30 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.003 सेकंड्स। हमारे पास जो ये मेजरमेंट आती है तो टाइम पीरियड फॉर सिंगल पीरियड आएगा वो आएगा 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकंड्स।